हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोनालिका DI 42। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रैक्टर चलते चलते अचानक इसमें ये प्रॉब्लम आया कि ये अचानक से राउंड लंबा लेने लगा है, यानी कि स्टार्टिंग में देरी करता है। काफ़ी लंबा राउंड लेने के बाद ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है और जैसे उस पर हल्का सा भी जुटाई में बल आता है ना, ये ट्रैक्टर पूरा बंद हो जाता है। तो आखिर उसमें ऐसी वजह क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, इस नाचिस का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। तो पहले मैं इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देख सकते हैं ये कितना लेट स्टार्ट होता है। तो देखा दोस्तों, ये स्टार्ट हो जाने के बाद रेस बिल्कुल पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे से रेस पकड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अचानक से रेस लेना चाहिए, वो नहीं लेता है और ये बंद हो गया। तो आखिर इसमें ऐसी वजह क्या है, देख सकते हैं दोस्तों, अभी स्टार्ट हुआ। ये ट्रैक्टर अपने आप बंद भी हो जाता है, देख सकते हैं ये बिल्कुल बंद हो गया। तो चलो, उसकी जो मेन वजह है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले पूरा डीजल का लाइन चेक करना है ना। तो मैं इसका पूरा डीजल का लाइन चेक करता हूं और उसमें जो मेन वजह है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलो जल्दी से मैं इसका पूरा डीजल लाइन को चेक कर लेता हूं। ऐसे मैंने अगले वीडियो में दिखाया हुआ है, शायद मेसी का वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया है कि इसका पूरा डीजल कनेक्शन कैसे चेक करना होता है। तो सबसे पहले तो ये टंकी टी है, इसको हमें चेक करना है कि यहाँ तक डीजल आता है या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है, उसके बाद यहाँ से, यानी इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक जहाँ डीजल पंप पे जाता है ना, वहाँ तक हमें चेक करना है। अगर वहाँ तक डीजल ठीक है तो फिर वजह कोई और हो सकती है। इसके लिए हमें प्लेट खोल के देखना है कि इसका प्लंजर का स्प्रिंग वगैरह तो नहीं टूटा है। तो इसी तरह से मैं इसको पहले चेक करता हूँ। मेरे को बस मेन एक ही चीज़ कि इसमें वजह क्या है वही दिखाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने इसका पूरा डीजल लाइन कंप्लीट चेक कर लिया। तो कुल मिला के उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका डीजल पंप हमें पूरा खोलना होगा। इसके डीजल पंप में ही प्रॉब्लम है ना। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चल गया कि इसका डीजल पंप ख़राब है ना। ट्रैक्टर तो स्टार्ट होता है लेकिन लंबा राउंड लेने के बाद। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक ही झटके में स्टार्ट, लेकिन मेरे को इसका पूरा डीजल पंप का काम करवाना होगा क्योंकि इसका डीजल पंप पूरी तरह से ख़त्म है। इसका प्लंजर वगैरह हाल बेहाल हो गया है, जैसे कि या तो डीजल ख़राब आया होगा या तो बार बार डीजल में एयर आया होगा ना, बार बार डीजल ख़राब होता है जैसे ख़त्म हो जाता है और बार बार एयर आने की वजह से इसका प्लंजर कट जाता है। तो बस ये ट्रैक्टर में यही रीज़न हुआ है। तो अभी मैं आपको एक ही झटके में स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अभी भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा राउंड लेता है, देख सकते हैं। एक बार और करके दिखाऊँ ये कितना लंबा राउंड लेता है, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, उसका रैंक डायरेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। एक ही झटके में स्टार्ट होगा, जब ये एक झटके में स्टार्ट होता है डायरेक्ट रैंक देने से, तो समझ लेना है कि इसका पंप ख़राब है। तो अभी मैं यहाँ से इसको रैंक को डायरेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देखना एक ही झटके में ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ से ये रैंक को डायरेक्ट कर दिया है, ये वाला देख सकते हैं दोस्तों, एक ही झटके में स्टार्ट। अब जितनी भी मर्जी सेल लगा लो, क्योंकि इसका स्टार्टिंग का डिलीवरी बढ़ गया, डीजल का जो डिलीवरी स्टार्टिंग का वो बढ़ गया, देख सकते हैं एक ही झटके में स्टार्ट होता है। देखना अभी एक ही झटके में स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे मैं उसकी रैंक को बंद करूंगा, ये मैंने यहाँ से इसका रैंक का कैप खोला हुआ है, तो ये दोबारा से लंबा राउंड लेने लगेगा, जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। तो बस इस तरह से पता चल जाता है कि इसके डीजल पंप में खराबी है। अब ये काफ़ी लंबा राउंड लेगा, देखा आपने। तो यही छोटी सी वजह थी, नहीं इसको छोटी वजह तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका पूरा डीजल पंप होगा। तो ऐसे तो मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं डीजल पंप खोल फिटिंग के। तो मैं इसको जल्दी से खोलता हूँ और खोलने के बाद डीजल पंप वाले के पास में लेके जाएंगे, और उसके बाद आने के बाद उसका फिटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसका स्पील का टाइम कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। चलो अब हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं और खोलने के बाद डीजल पंप वाले के लिए भेज देते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसका ये डीजल पंप खोल लिया है और अब हम इसको डीजल पंप वाले के पास में रिपेयरिंग करने के लिए भेज देंगे। जैसे ही वो रिपेयरिंग होकर आता है, उसका फिटिंग कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने अभी देखा
कि इसमें वजह क्या थी जो मैंने आपको बताया। बहुत से लोग हमें ये भी पूछते हैं कि अब्दुल भाई हमारे ट्रैक्टर का डीजल पंप ख़राब है, हम कैसे पता लगाया कि डीजल पंप में प्रॉब्लम है। तो देखो, डीजल पंप ख़राब होने की बहुत सी वजह होती है, बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। जैसा इसमें देखा कि ट्रैक्टर काफ़ी लंबा राउंड लेके स्टार्ट होता था और ट्रैक्टर जैसे हम रेस छोड़ रहे हैं ट्रैक्टर अपने आप बंद हो रहा है, तो ये एक वजह होती है। बहुत से केस में ये होता है ट्रैक्टर लगातार धुआं देता रहता है काला। बहुत से केस में ये भी होता है धुआं वगैरह सब कुछ ठीक होता है फिर भी डीजल पंप में प्रॉब्लम होता है ना। बहुत से केस में ये होता है कि ट्रैक्टर गर्माने लगता है, डीजल ज़्यादा खाने लगता है ना। तो छोटी छोटी बहुत सी वजह होती है। तो ये कब पता चलता है? जब ट्रैक्टर हमारे सामने होगा, हमारी आँख देखेगी, कान आवाज़ सुनेंगे, हमको पता चल जाएगा। क्योंकि ये काम करते करते हमें एक बहुत बड़ा तजुर्बा मिल गया है। और ऐसे भी आपको पता है हमारे उस्ताद नरेश जागरा, इन्होंने हमें इस मामले में बहुत नॉलेज दे दिया है, हद से ज़्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी आपका। और हाँ, आपने अगर हमारे उस्ताद नरेश जागरा जो हरियाणा से है, उनका यूट्यूब चैनल नरेश जागरा के नाम से है, उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वो भी बहुत बढ़िया वीडियो डालते हैं, मेरे से भी अच्छे, क्योंकि वो मेरे गुरु है। तो उनका मर्तबा तो कुछ और होगा ना। जब मैं इतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिलता है, तो फिर उनके चैनल पर जाके भी देखो, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं वो और काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। तो अभी क्या करा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने पंप को खोल लिया है, ठीक है। अब जैसे इसका पंप आएगा बिल्कुल रिपेयरिंग होके, उसके बाद पंप का फिटिंग करना है ना, तो इसका टाइमिंग, स्पिल का टाइम, जो ड्रॉप सेटिंग बोलते हैं, वो कितनी डिग्री पे होगा, कैसे होगा, कौन कौन सा पार्ट हमें सेट करना होता है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसके लिए मेरे को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना। तो जैसे इसका पूरा कंप्लीट पंप रिपेयरिंग होकर आएगा, उसके बाद मैं अलग से एक इसका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी डिग्री पे उसका स्पिल कट यानी कि ड्रॉप सेटिंग होता है। तो आप उसका आने वाला दूसरा वीडियो देखना भी ना भूलें। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे इसके ड्रॉप सेटिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।